सर अचानक 11 और 12 के बीच में हम अपने अपने कमरों में लेटे हुए थे, तो एकदम से पुलिस फोर्स आती है सर। उन्होंने बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ बंदूक वगैरह थी उनकी, नाल वगैरह, लाठी और उन पर सब्बल वगैरह थे, हमारे किवाड़ वगैरह सब तोड़ दिए सर। हमने उनसे कहा, सर बात क्या है, जो तुम आतंकी हो, तुम गुंडे हो, तुमने वहाँ दंगा किया। हमने कहा, सर आप अगर हम दोषी हैं तो आप हमसे थाने ले चलो और हम वहाँ आपसे जो आपको पूछना वहाँ पूछना, लेकिन ये तरीका क्या है, हाथ पैर मतलब चलाना, घुसे थप्पड़, हमारी जो वाइफ है उनको मारा, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता उनको मारा, माता जी को है कि वो पैर में चोट आई सब उसके, तो सर ये बहुत ज़्यादा गलत रवैया किया उन्होंने। हमने जिस दिन लड़ाई हुई थी सर, हम अपने घर पे थे, हमारे टायर, मैं टायर पंचर मिस्त्री उधर नगीने में ही, बड़ा वाला भाई है वो MA स्टूडेंट और वो टायर पंचर मिस्त्री है, जो और मुझसे बड़ा है वो BA पास आउट है सर 8वीं, और हमारा इतना अच्छा वेव है गाँव में, अच्छे हर समाज से हमारे अच्छे रिलेशन है। बाकी ये है सर, इंडिविजुअल हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई हमारा नाम किस तरीके से उन्होंने पेश किया और हमको दंड के प्रति परेशान किया। अगर कोई आदमी दोषी है तो हम उस चीज़ में ही कहना चाहते हैं, उनको सजा दो और देनी भी चाहिए, हम प्रशासन के साथ। मेरे बेटा ने नाजायज ले जा रहे, मेरे बुड्ढे मार रहे, फिर मोकून ने पटक के मारा और मेरे पैर तोड़ दिए, नकून में लाठी लाठी मारी है, मेरी कड़ी बिल्कुल तोड़ रखी है और ताले तोड़ कर भीतर घुसे और मेरी सारी भवन पर हमला करा, फिर मुँह पे करा, मुँह में कोई एक 50-50 लाठी मेरी कड़ी में लगी हुई है सर। और हम बाजार में रहते हैं, आज तक लगभग हमारी 30 के लगभग ईयर होगी, आज तक कोई फॉल्ट नहीं है हमारा, विद फैमिली एजुकेटेड है सर, हम अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं सर, और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेव किया। अगर हमारा बिहेव, हमारा कई भी तरीके से कोई कल्चर में कोई दाग है तो हम उस चीज़ को अपनी सफाई देंगे, लेकिन जो सरकार, सरकार की सटेटी ये नाकामी रही, प्रशासन की नाकामी, फिर हम सर यहाँ से उन्होंने मार पीट के गाड़ी में पटक दी, हमको थाना ले जाया गया, वहाँ जो थाना प्रभारी थे हम उनसे दिन में उस दिन मुलाकात हुई थी और दो गाड़ी पेंचर लगवाने के लिए मेरे पास आई थी, मेरे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के पास शॉप है पेंचर की, उनसे सब बातचीतें हुई, तो हमने कहा सर हम आपके साथ उस दिन पूरी एक्टिविटी में रहे, मैंने उसको एविडेंस दिए, सर आपके पास एक फ़ोन था, उसके आप नीचे जो चार्जर होता है फ़ोन बैटरी बॉक्स का वो था, मैं आपके साथ था सर, हम नगीने से आए, हमने कहा सर हम मरेंगे पहले, अगर कोई बात हुई तो प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद में हमने कहा सर आप एक बार सही से हमको देखो, हमको पहचानो और आप बेशक आप हमारी सेटिस्फाई करो, अगर कोई गलती है तो हम दंड लेने के तैयार है। फिर लास्ट में उन्होंने कहा भाई बेटे ये एक गलती से हमसे हो गया। मैंने सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम जो हमारे को हमारी इंसानियत को ठोस पहुँची, हमारे मम्मी पापा को मारा गया, उनका क्या होगा सर, और फिर अगर आपको कुछ भी करना है, आपको रेन डालनी है सर, आप पहले एक बार इंस्पेक्शन करें जाके, वहाँ रेड डाले जो गुनहगार हैं उनको उठाए, उनको सजा दे, मैं इंडिविजुअल कह रहा हूँ उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। हमारे नगीने मेवात में बहुत अच्छा माहौल है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब, ऐसा कोई बात नहीं है सर, और आगे भी हम आशा करते हैं कि प्यार मोहब्बत से ही रहेंगे, लेकिन हमको बड़ी दुख के निंदा करते हैं कि भाई यहाँ ये घटना हुई, इसमें जो बिट्टू बजरंगी है और सर ये जो मोनू माने सर है, इसने जो फेसबुक पे वो वीडियो वायरल करी, स्पीच दिया कि भाई तुम्हारा दामाद आ रहा है, तुम पे जो हो वो उखाल लो, फूल मालाओं से माला करो, जो उन्होंने उकसाया, उन्होंने पब्लिक को इस चीज़ के लिए भड़काया, और उनके पास हथियार सर, इससे पहले तलवारें थी, त्रिशूलें थी, वो लहराए सर, जो धार्मिक आस्थाएँ होते सर उन चीज़ों का क्या मामला होता है। तो मेरा यही है प्रशासन से, सरकार से, भाई जो गुनहगार हैं उनको सजा दो और देनी चाहिए, ताकि आगे से कोई आपत्तिजनक परेशानी ना हो। क्या आपके ऊपर भी हद है? तो सवन पे हम लोग करो, अमन पे सो सोते हैं, ठंड में तो सोते कोई नहीं, जब गए टन में आ खड़े सार में बहुत बड़े बापड़ो, जब लेकर लेकर फिर ही ना कर, जब यू तोड़ो हमारा दरवाजा निकलो बाहर, हम तो मिल कर ले सर ना, हमारे फिर कोई लूड़ा ना कुछ लोग नहीं घुस रहे घर में, तोड़ तोड़ कर गए टन में जब लाए खेच खेच कर निकलो बाहर।
जब मारा था ये ना देख रहे बेईमान ये कौन है सब ने मार रहे हैं। तो लेडीज पुलिस थी या फिर आदमी ये था और सिख पुलिस थी ये कह रहे लेडीज पर हाथ मत उठा चलते रहे तब ना मन से लेनी है तो फिर भी मार रहे फिर भी ना मान रहे। मेरा नाम इंसाफ मोहम्मद है जी, गांव नगीना से है और मेरी दुकान है बड़ा तीन चौक जी। क्या हुआ था? सर रात का तकरीबन 12 का टाइम था तो लगभग यहाँ पर 6-7 गाड़ी आई थी तो उन्होंने ये गेट बजाया गाली वाली दे रहे थे। मैं आया, मैं बोला भाई मैं आ रहा हूँ कपड़े पहन के आ रहा हूँ आप रुक जाओ मैं आ। लेकिन वो यहाँ के दीवार फांद के आए गाली वगैरह दे रहे थे। माँ बैठी थी, माँ पे हमला कर दिया, बाप पे हमला कर लिया, ये छोटे भाई इन पे भी, इतने में कपड़ा पहन का इतने उन्होंने यहाँ पे मारपीट चल पड़ी। इन दोनों को ले जाने लगे। मैं बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ कपड़े, भाई मेरे को लेने के लिए आया तो मैं आ तो रहा हूँ कपड़े पहन के आ रहा हूँ। फिर वो इन पे तो हाथ उठाए, मेरे पास नहीं उठाया, गाड़ी में बैठा के ले गए। सर वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करे, उन्होंने लाइट वगैरह में बैठा जाए, फिर उन्होंने ये लगाओ जी बुरा बर्ताव किया था वहाँ पे। फिर अपने SHO थे उनके साथ हमने कोऑपरेट किया था, वो जिस टाइम वो घटना घटी थी हम उनके सिक्योरिटी गार्ड बन के गए थे तीनों भाई SHO के। तो मैंने उनसे बोला सर हमने आपको हर चीज़ में कोऑपरेट कराया, बच्चों को बचा के लाए, दुकान भी बचाई। तो उन्होंने फिर हमारे लिए आश्वासन दिया तो मेरे को तो रात नहीं छोड़ दिया, हमारे दो बच्चे अब भी पकड़ पाए। अच्छा टोटल कितने लोगों को फकड़ा था? सर हम 4 पकड़े थे, तीन तो हम भाई थे एक हमारा भतीजन। तो उसमें से हाँ हम दो भाई आ गए, भाई और भतीजा भी बहन। क्या कह रहे हैं वो कहाँ? सर उन्होंने बोला कि भाई आपके नाम लिखवाए गए। अब हम तो कुछ कह नहीं सकते भाई किसने लिखाया। मैंने उनसे बोला कि भाई आप 25,000 के आबादी गाँव में 5 आदमी से कहवा दो भाई ये बच्चे गलत है, जिस सजा को दोगे मनी। क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ, वैसे मेरा कंप्यूटर का काम। सोशल वर्क में गरीबों की हेल्प करना सभी तरीके से। बात आप बताते सहमे हुए हैं सर, सहमे हुए हैं आप गलत कर रहे हैं। आप दंगा, आपका दंगे से के दौरान आपका हाथ है क्या कर? दंगे जब वहाँ पे चालू रहते हैं हम घर बात कर रहे हैं, मैं बड़कली चौक की बात कर रहा हूँ सर, मेरी वहाँ पे शॉप है। किस चीज़ की दुकान है आप? मेरे कंप्यूटर का काम है। हाँ जी फेमस दुकान है मेरी इंसाफ के नाम से। जैसे वहाँ माहौल बिगड़ता दिखा तो हम साइड किनारा हो गए अपने घर आ गए। यहाँ पर दबड़ी वहाँ ज़्यादा मामला हो रहा है तो हम सरपंच के साथ हैं तो हमने कही भाई सरपंच के ऊपर हमला हो जाए। कभी उन्होंने सरपंच की गाड़ी को फूकने का भी प्रयास किया था, उसमें हमने कही कभी सरपंच को मार दे। हम वहाँ गए, मैंने एक अनिल नाम का लड़का उसकी बीवी को और उसके बच्चे को बचा के लाया। फिर हमसे स्थिति काबू नहीं हुई, हम आगे चले गए, उन्होंने हमारे ऊपर उन्होंने पथराव किया। हमने भाग के जान बचाई, हम SHO के पास गए, सभी SHO की भाई फोर्स आ रही, आप जाओ आपका कभी नुकसान कर दे। हमने कही सर अगर आप कवर नहीं कर सकते तो हम आते हैं, हम आपके साथ चलेंगे। कुछ टाइम बाद हमको लगा कि भाई काबू नहीं हो रही स्थिति, हम सभी साथी यंग ब्लड SHO के पास गए। हमने कही सर आप बीच में हो जाओ, हम आगे होते हैं, हम चलते हैं। हमने उनसे हेलमेट वगैरह मांगे, हम चलेंगे आगे आप पीछे रहो। फिर हम वहाँ गए, हमने वो जो असामाजिक तत्व थे वह भाग गए। फिर वहाँ पे एक मंदिर का मामला था, हमने SHO से कहा मैंने कि सर हम वहाँ चलते हैं आपके साथ, हमारे जो सरपंच जी हैं बहुत बेहतरीन इंसान हैं,
उन्होंने वहाँ पर पहले ही बच्चे भेज दिए कि मंदिर के लिए कोई नुकसान ना हो। फिर एस एच ओ के लिए हमने कहा, सर आप ऐसा करो, ये हमारे बच्चे ले जाओ, वहाँ चले जाओ, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें बता दें, हम यहाँ डोल फिर रहे हैं, कोई नुकसान और ना हो जाए, अफवाहों का दौर है, इन पर ध्यान ना दे तो बेहतर है।